हाजिर हुई हैं स्टडी वीजे दिया लेटेस्ट अपडेट्स लेके। सो इस मंच के थ्रू मेरी पूरी कोशिश होंगी है जो भी स्टडी वीजे दिया लेटेस्ट अपडेट्स आन मैं ताड़े तक प्रोवाइड करवावा। सो चैनल में सबसक्राइब जरूर करियो, शेयर जरूर करियो, मैनू मोटिवेशन मिलती है। सो अज आप गल करांगे आस्ट्रेलिया के स्टडी वीजे लिए बहुत चेंजेस आ रहा। हर कोई हुण 1st of July की वेट कर रहा है कि 1st of July तो बाद की चेंजेस आएंगे और सानू की प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो सब तो पहले कि जड़ा चेंज आएगा वो पे रेट नू लेके आएगा, $26 to $28 हो जाएंगे एंड हो सकता वो कुछ सेक्टर्स दे विच 30-32 भी हो जाए। सो एक गुड न्यूज़ हैगी है, बट हाँ उत्थे दा जड़ा टैक्स का सिस्टम हैगा वो क्राइटेरिया भी चेंज होएगा। स्टूडेंट ये सोच रहा वेज रेट बढ़ गई तो मैं उत्थे जाके बहुत पैसे कमा लाँगा, बट गवर्नमेंट ने अपना भी देखना वा। सो टैक्स रेट्स दे विच भी चेंजेस आएंगे। आफ्टर दैट आप गल करिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी जी गल कौड़ी लगेगी, बट आने वाले टाइम के जेडे आप पहले पैकेजेस करते सीगे प्राइवेट कॉलेजेस कर लेंगे सीगे उदे विच जेड़ा वीज़ा लेना डे बाय डे चैलेंजिंग हो जूगा, क्योंकि डिप्लोमास दे विच एक स्टूडेंट नू जेन्युइन नहीं मनिया जाता कि वह स्टडीज़ लिए जेन्युइन हैगा वा। बाकी देखो किसी चीज़ का की ट्रेंड आएगा वो तो हूँ नवंबर और जनवरी इनटेक्स या जो फाइल्स लॉन्च होंगी या रिजल्ट्स आएंगे उदे तो ही पता लगेगा, बट प्राइवेट सैक्टर लैके प्राइवेट कॉलेजेस लैके भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आफ्टर दैट आप गल करिए फंड्स लैके, सो स्टूडेंट हूँ बहुत प्रिपेयर हो जाए फंड्स लैके, क्योंकि फंड्स लैके भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट ये चीज़ तो बिल्कुल हूँ क्लीयर हैगी कि जेन्युइन फंड्स से ही वीज़ा आएगा। सो जिन्हें भी हूँ अपनी नवंबर और जनवरी इनटेक की फाइल लगानी है पहले तो अपनी ऑफर लैटर टाइम से अप्लाई करन और अपने फंड्स जिहड़े दिखाने हैं उन्हें जेन्युइन उनका सोर्स ऑफ इनकम की हैगा वो सारे ते वर्क करन। सो आस्ट्रेलिया की असैसमेंट करवाने तुसी साड़ी टीम के नाल लिंक कर सकते हो। साड़ियाँ 3 ब्रांचेस हैगियां वा जलंधर, अमृतसर एंड लुधियाना, जिहड़ी भी तुहानू नियर पैंदी है तुसी उत्थे विजिट कर सकते हो। सत श्री अकाल।